खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी होंद जो बनाई है ये कुछ हस्तियां दा जोड़ है, जबकि परमात्मा आड़ नहीं है, निर्जुर निरूप है कि सुंदर स्वरूप है। वो आप ही आप है, कुछ वस्तुओं दा जोड़ नहीं है। जैसे बिल्डिंग है, ईटा ने, सीमेंट है, फिर लकड़ है, तरह तरह का साजो समान है, कई चीज़ों का जोड़ ते गुरुद्वारे की बिल्डिंग। साड़ी होंद भी कई चीज़ों का जोड़ है। परमात्मा नूं कलगीधर पातशाह कहिंदे निर्जुर निरूप है, वो जोड़ नहीं है, आप ही आप है। असी जोड़ हाँ, इस जोड़ नू तीन हिस्सों दे वंडदे ने, तन जो अस्थूल शरीर है, मन जो सूक्ष्म शरीर है, फिर आत्मा जो मूल रूप विच परमात्मा दी अंश है। इसनों अध्यात्मिक आचार्या इंज बयान करते हैं, एक सूरज, फिर सूरज दियां किरणा, फिर किरणा तो रोशनी, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, नहीं है रोशनी तो नहीं दिखाई देगा, रोशनी करके जो प्रकट हो रहा है, जो रोशनी करके दिखाई दे रहा है, प्रथम सूरज, फिर उस दियां किरणा, फिर किरणा दी रोशनी, फिर रोशनी दे जो कुछ प्रगट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जिस तरह ये बाहर असी दृश्य देखते हैं, इस तरह अंदर परमात्मा, फिर ये आत्मा उसकी किरण, कहो कबीर ए राम की अंश, जस का गद पर मिटे ना मंश। फिर उसी किरण दी रोशनी साड़ा सूक्ष्म शरीर मन, फिर उसी रोशनी करके जो कुछ है ते प्रगट होया है, वो है साड़ा तन। मैं चूंकि आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ये जो 400 साल स्थापना दिवस आ रहा है, ये संबंध च विचारां दी लड़ी चलाई हुई है, पर मैं अर्ज करां सतगुरु कहिंदे ने बाणी बिरलो विचार सी, ते बहुत गहरियां गल्लां। इनू होर दो शब्दों च मैं बयान करा, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, उही शब्द दे रूप दे च गुरु है, जो शब्द दे रूप दे च गुरु है उही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, अलग अलग नहीं है, जोड़ नहीं है, निर्जुर निरूप है। नानक सोदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है उही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है उही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। परमात्मा तो शब्द होया, शब्द दे जब करके प्रकाश होवेगा, भाव परमात्मा दा बोध होवेगा, पता चलेगा। तो हुण मैं फिर दोहरावां, एक सूरज, फिर उस दियां किरणां ने, फिर किरणां दी रोशनी है, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई दे रहा है, रोशनी करके जो कुछ प्रगट होया, परमात्मा है, आत्मा है, फिर सूक्ष्म शरीर है जिसनों मन कहते हैं, और जिस मन करके कुछ होंद प्रगट हुई ते महसूस हो रही है, वो है साड़ा तन। चारां दा इंज असी जोड़ हाँ। मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा कुछ वस्तुओं दा जोड़ नहीं है, गुरु ते परमात्मा कोई जोड़ नहीं है, एक ही है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, निर्जुर निरूप है।
मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दें, यह बिल्डिंग गुरुद्वारे की कई तरह के साजो समान का जोड़ है। इटा ने, सीमेंट ने, लकड़ है, और तरह तरह का सैकड़े किस्म का साजो समान है, तो यह बिल्डिंग है। असी जोड़ हाँ, परमात्मा निर्जोड़ है, निर्जुर नरूप है। हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा साडा अस्थूल तन है आकार, इहदे दो भाग मनदे ने, अन्नमई कोश प्राणमई कोश। अगों जो साडा सूक्ष्म शरीर है उहदे भी दो भाग मनदे ने, मनमई कोश विज्ञानमई कोश। जो पंजवां है, जो मूल है, उन्हों आनंदमई कोश कहते ने परमात्मा, क्योंकि किरण भी सूरज करके है, रोशनी भी सूरज करके है, और रोशनी करके जो कुछ बनया ते प्रगट होया वो भी सूरज करके। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश, प्रकृति अनेक वेश जो धारण कर दिए एक सूरज करके। खैर हुण मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये तन अन्नमई कोश प्राणमई कोश, कुछ विद्वान तो इसनों इंज कह देने बस तन अन्न ही है, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है, ये बनया ही रोटी तो है। किस तरह इनू गुरबाणी फिर इंज खोल दी है, रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजार। तन दी होंद किवें बनी, बिंद तो खून तो। मां की रकत पिता बिंदारा, मां दा लहू पिता दा बिंद। प्रश्न ये पैदा होंदा है, लहू किवें बनया, बिंद किवें बनया, रोटी तो भोजन तो। मूल रूप विच ए तन भोजन है, मूल रूप विच ए तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। मां की रकत पिता बिंदारा, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रखाया, दस मास माता उधर राख्या, बहुर लागी माया। रकत बिंद करने में आ, ये लहू तो बने है, पूरी एकाग्रता देना, बिंद तो बने है। लहू बनता है रोटी तो, बिंद बनता है रोटी तो, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। जब बनया रोटी तो है, तो हुण मैं अर्ज करांगा, जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते, बिना रोटी तो जी भी नहीं सकता। बनया जो तो है, बनया भोजन तो है, भोजन तो बिना ये जी भी नहीं सकता। कारण तन दी लोड़ नूं असीं भुख कहिंदे आ, ते भुख भोजन मंगदी है, रोटी मंगदी है। बनया रोटी तो है, जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। कबीर जैसा महान संत भी कह उठे है, भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी लीजै। पहले अपनी माला, साढ़े कोल भुगत भुखिया भगत ही नहीं होने, असी भुखिया तेरा नाम नहीं ले सकते। रोटी चाहिए है, दो सिर मांगो चूना, चून आटे नू कहंदे ना, दो सिर मांगो चूना पाए गयो संगलूना, अध सिर मांगो दाले मखो दोनों वक्त जवा ले। मूल रूप विच ऐलान करदे पैन, भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लिज, ऐले अपनी माला, ए नहीं होनी बंदगी। पुराना जमाना सी, रस्ते च होटल रेस्टोरेंट ढाबे नहीं आंदे सन, दूर दूर तो संगतां गुरु दे दर्शन करन लई आउंदियां सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने मर्यादा बना दी, पहले पंगत पाछे संगत, पहले अन्न पानी ग्रहण कर लो फिर संगत च आओ कथा कीर्तन सुनो।
ਕੋਈ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਮੀਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਤੋਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਤਰੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਜੁੜ ਨਿਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਜੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਤਨ ਚੌਂਕੇ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਧਨ ਗੋਪਾਲ, ਧਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਫਾ ਧਨ ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਇ। ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਤੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਤਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਸਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਧਨ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਪ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤੋਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਜਪੀਏ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮੰਤਵ ਜਪੀਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਪ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਮ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਮ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਭਾ ਲਭੇ ਕੁੰ ਦੰਬ ਦਮ ਨੋ ਸ਼ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੁ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋ ਸ਼ਕੁਨ।
औरंगजेब तेरे दमा दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है, ताई ठनक दे ज्यादा ने, ताई रोला रपा बहुत पाते ने, तेरे दमा दे प्यालिया दे कुछ भी नहीं है। इनों भर परमात्मा दे नाम दे आबे हयात नाल ताके लोक परलोक दिया मुश्किलां, लोक परलोक दिया चिंतावां तेरियां खत्म हो। परम पुरख उसनों कहिंदे ने जिहड़ी गल मित्र नूं आखणी है उही दुश्मण नूं कहणी। सांझा उपदेश यही मित्रां नूं कहना है, सिखां नूं कहना है, दम दम सदा संभालदा, दम ना विरथा जाए। यही औरंगजेब नूं भी कहना है, लभा लभे कुन दम ब दम नव शकुन गमे हर दो आलम फरामो शकुन। ऐ औरंगजेब तेरे दमा दे प्याले बिल्कुल खाली ने, तेरे दमा दे कुछ भी नहीं है। किसी दे दमा दे धन होंदा है, किसी दे दमा दे परिवार होंदा है, हर वक्त परिवार दी याद, हर वक्त धन दी याद, किसी दे दमा दे कारोबार होंदा है, हर वक्त कारोबार दी याद, किसी दे दमा दे निरंकार होंदा है। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। लबा लबे कुन दम बदम लो शकुन गमे हर दो आलम फराम शकुन। भगत कबीर कहंदे ने, हे प्रभु तू धनता दे योग है। मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक मंदिर सेवा नाल बनता है, धन नाल बनते हैं। धन देना सेवा है, दान एक सेवा है, सिमरन नहीं है। तो कोई दान नाल मन पवित्र नहीं आता, गुस्ताखी माफ कई दफा तो हंकार हो जाता है अगर सिमरन नहीं। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, उल्टा गुमान पैदा हो जाता है। मैं इन्ना दान दिता है, लोग दानी दानी कहते ने, तो बंदे दे पैर फिर जमीन ते नहीं टिक रहे। चलो लोग ना खन तो कई बंदे ते दीवारां ते भी लिखवाते ने, पत्थरां ते भी लिखाते ने, इतना दिता है, इतना दान किया। मैं इंडिया के एक दो गुरुद्वार एक फड़ी देखी, अज तक जितने प्रधान बने सन ना 50-60 साल सारे के ना, फलाने साल हो रहे, फलाने दो वरे हो रहे, फलाने दो वरे हो। हैरानगी हुई मैनू, कोई अपने दान का ना लिखवाता है, कोई प्रधान का ना लिखवाता है, कोई होर ते कुछ होर। असल देते हिरदे की तख्ती ते प्रभु का नाम ही लिखना है, गल तो इतनी चाहिए। औखा है कम, औखा है, बड़ा कठिन है। जमीन देते धार्मिक मंदिर खड़ा करना एक सेवा है। जीवन धार्मिक हो सके सिमरन तो बिना नहीं आता, नहीं आता। दो लफ्ज होर भी मैनू कहन देना, दान नालों लखा गुणा औखा है सिमरन, सेवा नालों लखा गुणा औखा है सिमरन। मैं सैकड़े गुणा नहीं कह रहा, बहुत दुनिया सेवा करती है, बहुत दुनिया सिमरन नहीं करती। सेवा नालों सैकड़े गुणा नहीं, हजारा गुणा नहीं, लखा गुणा औखा है सिमरन। दानी हर शहर विच मिलणगे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलणगे, नहीं मिलणगे। सेवा करने वाले हर शहर विच मिलणगे, रब नाल जुड़े हुए हर शहर विच नहीं मिलणगे, कतई नहीं मिलणगे। होर भी हर तरह के मनुख हर शहर विच मिलणगे, चोटी दे इंजीनियर मिलणगे, लॉयर मिलणगे, डॉक्टर साइंटिस्ट मिलणगे, बड़े बड़े कारोबारी मिलणगे, धनवान मिलणगे। हर शहर दे ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा, हर शहर दे धनवान होंदे ने, हर शहर दे गुणवान होंदे ने, दार्शनिक होंदे ने, फिलोसफर होंदे ने, कलाकार होंदे ने, इंजीनियर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, बड़े बड़े कानून दा लॉयर होंदे ने। हर शहर दे भगत नहीं होंदे, हर शहर दे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा। तो फिर मैं कह दिया, चोटी दे साइंटिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, धनवान, कारोबारी नालों भी औखा कम है भगत बनना, भगत बनना।
कठिन है। कई दफा दो दिन बंदा गुरुद्वारे आंदा है ते तीन दिन नितनेम करता है, कहिंदा खेड़ ते कुछ बने ही नहीं। ये कोल पूछो तू चार दिन च इंजीनियर बने, तू पांच दिन च डॉक्टर बने, तू अज चोटी का साइंटिस्ट बने, तीन दिन च बने। समा लगता इत्थे भी गल ना गल नहीं पैंदी। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत गाल, धन लई ये 24 घंटे भी गाल ना गाल सकता है, धर्म लई प्रभु दे नाम लई 24 घंटे च 1 घंटा भी कोई नहीं नहीं है। मनुख सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। सारा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, भज दौड़ करता है, रब दे नां दा जपण दा वेला। महाराज कहिंदे आलसां दे पत्थर पै गए, आलस दे उठदे ही नहीं। उस वक्त धन वास्ते भी उठ सकता है, अमृत वेले भी उठ सकता है, रात नूं भी उठ सकता है, दिन नूं भी पज सकता है, परमात्मा वास्ते नहीं उठ सकता। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। पत्थर पै जांदे ने सिर ते, ते पत्थरां तले ते मुरदे आउंदे ने, कोई जिंदा मनुख थोड़ी आउंदे ने। गुस्ताखी माफ मैनूं कहण देना, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे ने अमृत वेले सुते मनुख दरअसल जीवदियां जागदियां लाशां ही ने और कुछ भी नहीं। फरीदा पिछल रात न जागयो जीवंदड़ो मोयो, जिंदा लाश मुर्दा ही पै ने। फरीदा पिछल रात न जागयो जीवंदड़ो मोयो, जैं तैं रब विसारयो तां रब ना विसरयो। तू जरूर उन्हों भुलाया है, उन्हें तैनू नहीं भुलाया। तेरी याद देच ओ नहीं है, उसकी याद देच तू है। उसकी तरफों तेरे नाल संबंध जुड़िया है, तेरी तरफों उस दे नाल रिश्ता टूटिया है। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। भाई साहब भाई नंद लाल इस नूं बयान करते हैं, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब है सुबह। जिस मनुख नूं शब्द की चोट नाल थोड़ी जिहा भी जागृति मिल गई है, शब्द ने जिस दे थोड़े जिहा दरवाजे खोल दिते ने, कन खोल दिते ने, उन्हें एक समझ आ गई कि अगर अमृत वेले मैं सुता रह गया तो मेरा सोना हराम है, मैं हराम सुता। तो जो अमृत वेले सुता रह गया उसकी नींद हराम है, दिन नूं उसका जागना भी हराम है। महाराज ते कहिंदे नूं उसका खाना पीना भी हराम है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोए। इहनूं जिंदा कहण दी भी की लोड़ है। जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जे ता किछ खाए। दिन भर जो कुछ खाएगा भी हराम खाएगा, इहदा जीवना भी हराम, इहदा जागना हराम। क्यों? इन्हें अपनी नींद हराम की थी, अमृत वेले सुता रह गया, नहीं जा गया। जैते रब विसारियो, रब ना विसरियो। मूल गल इतनी है, तन दिया कुछ लोड़ा ने कि अन्न रोटी, मैं फिर दोहरावा तन रोटी तो बने और कुछ भी नहीं है। ये अन्न पानी का पुतला, इन अन्नमई कोश कहते हैं। ये साढ़े त्रैमण देवरी चले पानी अन्न, इस तो बिना नहीं चल सकती। ये रोटी तो बनया है, तन जीवेगा चलेगा रोटी दे आसरे थे। मैं फिर दोहरा दें, तन किवें बनया? रखत बिंद कर निमया, निमया बनया जमया। रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजा, ये लहू तो बनया है, बिंद तो बनया है। माँ की रकत पिता बिंदारा, पिता दा बिंद मां दा लहू, ए बने तन बने। पर प्रश्न बन पैदा होंदा है, बिंद किवें बनया, लहू क्यों बनया? रोटी तो, भोजन तो, और किस तो बनया? इस वास्ते तन भोजन है। क्योंकि तन भोजन तो बनया है, जीवन भर मनुख नूं चिंता भी रोटी दी रहिंदी और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ,
धन संपदा दे अंबार दरअसल रोटियां दे अंबार है। मनुख चाहता है जीवन भर दियां रोटियां, सत पीढ़ियां दियां रोटियां, नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, और कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सब रोटियां दा ढेर है। रिजक दी चिंता है, मनुख नो रिजक भजाई फिरदा है, रोटी भजाई फिर रही है। बड़िया सोहनिया पंक्तियां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानक सच ए। रोटियां धक्के मार रही भजाई फिर दिया ने, क्यों तन बनिया रोटी तो ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते। चिंता बहुती रोटी दी पानी दी नहीं, पानी दी ते बारिश भी आती है, पानी दे ते दरिया भी चलते, रोटियां दी बारिश नहीं आती, रोटियां दे दरिया नहीं चलते, कमानी पैंदी किरत करनी पैंदी। पानी दे ते दरिया पे वगदे ने, पानी दे ते सरोवर ने झीलां ने, पानी दी ते मूसलाधार बारिश आती है, कोई रोटियां दी बारिश नहीं आती, कोई रोटियां दे सरोवर नहीं, कोई रोटियां दा सागर नहीं, कोई रोटियां दी बारिश नहीं, किरत करनी पैंदी है। तो किरत की है, रोटी कमानी पैंदी है। हुण महाराज कहिंदे ने हर जगह हवा है, हर जगह है, हर जगह मनुख लई रोटी नहीं है, जिथे बैठा है उथे रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाना पएगा। इस नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने जिथे रोटी इसकी पई है, जहां दाने तहां खाने नानका सच ए। महाराज कहते हैं मैं एक सच्चाई बयान कर रहा, यही सच्चाई है। मनुख दे दाने हर जगह नहीं ने, जहां दाने जिथे हैं ये किरत इसनू धक्के मारेगी और उथे जाएगा जिथे रोटी पई है। मनुख जिथे है उथे रोटी नहीं है, जिथे भी होवे रोटी वास्ते दुकान ते बाजार ते फैक्ट्री दे किधर ना किधर जाना पड़ेगा। जहां दाने तहां खाने नानका सच ए। बहुत पुरानी गल याद आ गई इस वक्त लालबन, मैं समझदा 25-30 साल ते हो गए होने ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे च। उस वक्त दे बजुर्ग कथावाचक ज्ञानी मान सिंह जी जौहर कथा कर रहे सन। मैं आसन सोल तो अमृत वेले दिल्ली पहुंचया, इशनान पान करके जब मैं मथा टेकन गया तो ज्ञानी जी कथा कर रहे सन। पुराने बजुर्ग कथावाचकों दे चे 3-4 मने जाते सन, ज्ञानी रणजीत सिंह जी पारस, प्रिंसिपल गंगा सिंह, ज्ञानी मान सिंह जौहर, बेदी ब्रिज बल्लभ सिंह, ये पुराने कथावाचक सुलझे विद्वान गुरमुख समझे जाते सन। ज्ञानी रणजीत सिंह जी पारस, प्रिंसिपल गंगा सिंह, बेदी ब्रिज बल्लभ सिंह और ज्ञानी मान सिंह जौहर, ज्ञानी तीरथ सिंह इत्यादक, ये बुजुर्ग कथा कर रहे सन। मैं स्वभाव के बैठ गया, भावे में जाना सी अगे, मैं कि चलो बुजुर्गों के दर्शन बहुत दिन बाद हो ने कथा सुनी। वो एक पुराणक मिथ सुना रहे सन, इस पंक्ति नू आधार बना के, एक माई जुगत वे आई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक संसार बनांदा है, एक संसार नू टिकांदा है, एक संसार नू मिटांदा है। दरअसल क्रियावां जगत दे च तिन होणियां हो रही ने, बनना टिकना मिटना, और कुछ भी नहीं हो रहा। जीव जमदे ने, जीव टिकदे ने, जीव मरदे ने। संसार दे च असीं कुछ बनांदे आ, बनदा है कुछ दिन टिकदा है फिर मिट जांदा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो ना मिटे। प्रकृति का नियम भी है, प्रकृति दे अर्थ किधरे नेचर ना करना, प्रकृति कृत तो पहले जो सी
परमात्मा उहदा नियम भी है, वह भी जो कुछ बनाता है मिटा देता है। सूरज बनाया है ना, एक दिन मिटा देगा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस नखत्र गगनं। महाराज कहते हैं हर चीज बनती है, कुछ देर टिकती है फिर मिटती है। सूरज भी कुछ देर टिकता है फिर एक दिन मिट जाता है। जैसे 40 साल तो बाद साडा शरीर घटना शुरू हो जाता है। 40 ही पुर होए, 85 पग खिसे, 60 के बुढ़ेपा आवे, एक सीमा ते पहुंच के सूरज भी घटता है और एक दिन मिट जाता है। असी भी घटते हैं, घटते हैं, एक दिन मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। ये नियम प्रकृति ने हर एक ते लागू किया, हर एक ते लागू किया। जैसे दिन मान मैगजीन दे मैनू पढ़न नू मिलिया, जो भारत दे साइंस दी पत्रिका है, भई एक सैकंड दे 40 लख टन वजन सूरज का घट रहा है एक सैकंड दे। और फिर वो इंज कहते हैं बुढ़ा सूरज है, अपनी जवानी हंडा बैठा है। होर ब्रह्मांड दे कई जवान सूरज ने, कई बच्चे सूरज ने, कई जन्म लैण वाले ने। इसनों इंज कहिए जिमें 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ जवान ने, कुछ बच्चे ने। अज तक अरबां खरबां मनुखां दियां चितावां जल चुकियां ने, कबरां बन चुकियां ने। बाबा फरीद से कहंदे ने जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। अज साइंस मनन लग पई है जिथे असी बैठे हाँ कम से कम 10 बंदियां दी खाक या राख ते होनी चाहिए है, होनी चाहिए। अरबां खरबां मनुखां दियां चितावां जल चुकियां ने, अरबां खरबां मनुखां दियां कबरां बन चुकियां ने। 6 अरब मनुख जमीन ते इस वक्त मौजूद ने। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, लखां ही रोज रुखसत हो रहे हैं, चितावां जल रही हैं, कबरां बन रही हैं। लखां ही जीव माथावां दे गर्भ दिच ने। अकाल पुरख की देह में कोटक बेसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रवसस कोट जलेस। महाराज ते कहंदे ने अरबां खरबां सूरज बने ने, अरबां सूरज मिट चुके ने, अरबां खरबां सूरज अकाल पुरख दे गर्भ दे च ने, जन्म लैण वाले ने। आ जिहड़ा पसारा असीं देखदे हां, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कई बार पसरियो पसारा, कोई एक दफा, कितनी दफा बन चुके हैं ते मिट चुके हैं। ये लंबा चौड़ा सिलसिला कई दफा हो चुके हैं ते मिट चुके हैं। ये जो कर्म तिन हो रहे हैं, क्रियावां तिन हो रही ने, बनना टिकना मिटना, इनू पुराणक मिथ बयान करके फिर उन्होंने गुरमत दृष्टिकोण ज्ञानी मान सिंह ने संगत दे सामने रखिया। पुराणक मिथ ये है संसार बनांदा है ब्रह्मा, पालना करता है, टिकांदा है विष्णु, मिटा देंदा है शंकर शिव जी। ज्ञानी मान सिंह जौहर का अपना सुभाव से थोड़ी जी मजाकी तबीयत दे भी सन, कुछ करम चूंकि उन्होंने सुभाव से, वो इस सुभाव को अक्सर कथा दे भी जोड़ देंदे सन। उन्होंने कहा विष्णु भगवान जब जीवां दा रिजक वंडन लगे, मैं संक्षेप दे चर्च पै करना, कहिंदा बड़ियां लंबियां कतारां लगियां हुई सन पशुआं दियां, पंखियां दियां, मनुखां दियां। कहिण लगा उन्हां मनुखां दी कतार दे च लैन दे च मैं भी खड़ा सी, मैं भी खड़ा सी। हर एक ने झोली अड्डी हुई, विष्णु किसी दी झोली च 2 मुठ्ठां पांदा है, किसी दी झोली च 1 मुठ पांदा है, किसी दी झोली च 1/2 मुठ पांदा है। अंचलता कर रहा है, उन्हां दा अपना ढंग, पुराणक मिथ नूं बयान करन दा ढंग, किसी ही वाद
घाट के सही पे सगरले लर लर मऊआ, दो भरा लड़ पैंदे ने, कौमा लड़ पैंदियां ने, किसे कोल वध है किसे कोल घट है, किसे ही वाद घाट के सही पे सगले लर लर मऊआ, संसार दे लड़ाई झगड़ा किस किस चीज़ का है, किसे कोल कोई चीज वध है किसे कोल घट है, दो भरावां दे झगड़ा किस गल का हो जाता है, वध घट का हो जाता है, दो बहणा दे च वी कलेश मच जाता है वध घट का, किसे ही वाद घाट किसे ही पे सगले लर लर मऊआ। तो ज्ञानी मान सिंह जी चौर सुना रहे सन, किसे दी चौरे च विष्णु भगवान दो मुठा पा देंदा है, किसे दी चौरी च एक, किसे दी चौरी च अद्धी मुठ, इहदे उत्ते उन्होंने अद्धा घंटा लाया सी किस तरीके नाल ओ मुठा चौरी च पा रहे। मैं मुख्तसर अर्ज करदा पिया, कहिंदे मैं भी उस लाइन च खड़ा सी, बड़ी मुश्किल नाल कहिंदा मेरी वारी आई, ज्ञानी मान सिंह दे कहण दा ढंग, कहिंदा मैं भी झोली अड के खड़ा, मुठा दोवें भरियां विष्णु ने, मान सिंह कहण लगे मेरी झोली च नहीं पाइयां, इंज खिलेर दित्तियां, आख्या ज्ञानी सिंह जिथे जिथे हुण तेरे दाणे खिलेरे ने चुण लै। फिर बोले 84 साल अज मैनू हो गए ने दाने चुनदियां चुनदियां, जे दिन दाने मुक गए मान सिंह मुक जाएगा, मान सिंह मुक जाएगा। और हकीकत है दाने सारियां दे उसने खिलेरे हुए ने, किसी की झोली च नहीं पाता, असलियत जहां दाने तहां खाने, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है, हर एक दे दाने उसने खिलेर दे तन चुनो अपे, किरत की बांधी जग फिरे चित बंद ना दीरा, किरत बजाई फिर दी, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहने एक सच्चाई है, बड़ी प्रबल सच्चाई है, जिथे दाने ने किरत धक्का मारेगे उथे जाना पड़ेगा, मनुख जिथे बैठा है उथे रिजक नहीं है, रिजक लभना पड़ेगा। भरतरी ने तंग आके इथों ही, चूंकि उन्हों दूजे चौथे दिन भिक्षा मंगन लई जाना पैंदा सी, गोरख ने उहदी एही सेवा लाई है, ते योगियां नूं भी भिक्षा मंगनी पैंदी है, जिवें बौद्ध भिक्षु भिक्षा मंगदे ने इस तरह योगी भी। पर यह राजा रह चुकिया सी, धार स्टेट का राजा सी, राजा बिक्रमाजीत का छोटा बिरा सी, बिक्रमाजीत उजैन का राजा सी, ते भरतरी धार का राजा सी, पर अज भिक्षा मंगनी पै गई, जोगी बने। रब दे ने एक पिंड दे च गया सी, पिंड का जड़ा मुखिया सरपंच सी वह किधरे चलाणा कर गया, तो सारे मरगढ़ घाट पहुंचे हुए घर घर दे सोक करके किसी ने रोटी बनाई ने, दो चार दरवाजे ते दस्तक दिती, भिक्षा मिली नहीं, दूजे पिंड चला गया, दो मील दी दूरी थे, उत्थे मेला लगे हुआ सी बड़ा भारी, सारा पिंड मेले ते पहुंचे हुआ, दुखी हिरदे नाल वापस आ गया अपनी कुटिया च। हुण एक ते दो दिन दा भुखा, योगी अक्सर कई दफा रोज नहीं खांदे, दूजे दिन खाणगे, और रोज भी खाना है ते अद्धे पेट खाना है दोपहर तो बाद, और एक टाइम ज्यादा ये पानी पींदे ने, क्योंकि जिस तरह की वह साधना करदे ने शरीर के अंदर गर्मी वधदी है, पानी इन्हां नूं ज्यादा पीना पैंदा है। पर अज ये दो दिन का भुखा है, तो एक पैदल दो पिंडां च जाना पिया, ज्यादा चलना पिया, थकिया हारिया आया है। इहदा एक छंद है वैराग शतक दे, जिहदे तीन ग्रंथ ने, नीति शतक, वैराग शतक ते शिंगार शतक, पर धार्मिक जगत दे च प्रचलित है वैराग शतक। शायद आप नूं पता होवे प्राणायाम की साधना करके इसने अपनी उम्र भी बड़ी लंबी कर ली सी, और यह गुरु नानक देव जी दे वक्त मौजूद सी।
धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तीन शब्द भी भरतरी के प्रति उच्चारण किए ने आसा राग के अंदर। तिना शब्दों का वक् वक् आशा है लगता है भरतरी ने कुछ इस तरह के प्रश्न किए हो गए। ये तिना दिया दो दो पंक्तियां भी मैं थोड़े सामने रख रहा। जल ते उपजे जल ते जो दूर जल में जो तरे हा भरपूर सुन भरतर नानक कहे विचार निर्मल नाम मेरा आधार। दूसरी सगली जोत हमारी समय इतने किधर भरतरी ने पूछ लिया थोड़ा पंथ की है तो साहब कहते हैं सगली जोत हमारी समय नाना वरन अनेकं कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। सारिया के नाल चलना सारिया नाल लेके चलना बस नानक का यही पंथ है। कोई पंथ नहीं है भरतरी होर कोई पंथ नहीं है। तीसरा सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। श्वासा नु रोक के इसने अपनी उम्र लंबी की थी सी राजा विक्रमा जीत का छोटा बेरा। अज दो दिन का भुख है भुख तो बैबल अपनी कुटिया च आया उदों ये वैराग शतक ग्रंथ की रचना भी कर रहा है। उदा एक छंद मैं थानू सरवण करावां। वो कहिंदा नागों का आहार ब्यार माटी कीनो मुख चार उदम न हिंसा वार सुख सदा होए है। ए परमात्मा सब तो एक त्रिगत जोन तो बनाई सप फनियर नाग जहरीले नाग उन्हां दा मूल रिजक तू बनाया मिट्टी खुड दे विच भी इन्हां नूं मिट्टी मिल जांदी है। जैसे मूल रिजक मनुख का अन्न है कणक है भावे हजार चीजा खावे होर सप का भी मूल रिजक मिट्टी है। पवन दे जो पानी की नमी है उदे चों ही पानी पी लेंदा है हवा दे चों ही पानी कढ़ लेंदा है। कुछ इस ढंग का आला परिपूर्ण परमात्मा ने सप दे च बनाया। यह कहिंदा इतनी त्रिगत जोन जिन्हों देखण नूं भी जी नहीं करता उदे ते तू इतना तरस खादा उदा रिजक उदे घर दे च ही मिल जांदा है। उन्हें भजना दौड़ना नहीं पैंदा रिजक दी खातर क्योंकि जिस खुड़ दे च रहिंदा उत्थे भी मिट्टी मिल जांदी है। नागों का आहार ब्यार ब्यार कहिंदे ने हवा नूं ते माटी मिट्टी ब्यार विचों हवा विचों ही पानी पी लैंदे ने। नागों का आहार ब्यार माटी कीनो मुख चार उदम न हिंसा वार सुख सदा होए है। अंकुर त्रिड़ाद सुदा सो प्रसाद पावे पशु एलाद धार धरा सोए। कई जंगली जानवर तो जंगल दे बनाए ने हिरन इत्यादक चितले इत्यादक नहीं लगाया उन्हां दा आहार जंगल दे घास पत्थे बनाए बड़ा बनाया तू जंगल दे घास पत्थे उन्होंने सहजे रिजक मिल जाता है। रची नरों की बित जोना बिना बित रंडी पूत समताए दंडी नाए कोए। एक महान संत भगत दे बोलने तो कहने दे मैं संकोच ना करा। वो कहिंदा हे परमात्मा तू मनुख दी रोजी खिलेर देती है लभनी पैंदी है इन्हों पता भी नहीं आता मेरा रिजक कित्थे है और रिजक इस नूं धक्के मारदा है। बिना पुरशारत दे बिना मेहनत दे ये रिजक लभदा नहीं। अशरफल मखलूकात धरती दा सरदार मनुख इहदी रोजी तू औखी बनाई मैं तेनू कहांगा तू रंडी दा पुत्र है तेरा प्यो है नहीं जे तेनू कोई अकल देंदा। भरतरी राजयोगी भरतरी रंडी पूत समताए दंडी नायक तेनू कौन समझावे। जिहड़ा समा मेरा भजन दे च लगना चाहीदा सी भिक्षा मंगण दे च लग जांदा है। दो दिन का मैं भुखा हूँ तेरा नाम मैं नहीं चंगा लगता। कबीर दे बोल भूख है भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे अले अपनी माला भुखियां तेरी बंदगी नहीं होनी नाम नहीं जपया जाना। तन रोटी है ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे उस तो बिना नहीं जी सकता। भगत कबीर इस वास्ते चारा नो धन धन कहते ने धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके
दंतादि योग है परमात्मा तो, दंताद रूप है तेरी ज्योत शब्द गुरु, और दंतादि योग है ए अन्न रोटी, ये पेट दे जे पै जाए तो गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं तो रब तू नहीं चंगा लगता। धन अनाद भूखे कवल टेके, फिर चौथा धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सांग पानी। ओ संत भी धनता दे योग जिन्होंने इस असलियत नो समझे है, इस हकीकत नो जाने है, तन रोटी है, भौतिक पदार्थ है,